सुने सुने ओ छोरी हाँ के कर रहा है ये? मैं लकड़ी काट रहा हूँ। अच्छा हाँ अगर लकड़ियाँ काट ली हो हाँ तो अब नीचे उतर के आ। ना ना अभी लकड़ी नहीं काटी है, पहले नू बता तू है कौन? मैं कौन हूँ? हाँ मैं हूँ एक लड़की। लड़की? हाँ। थोड़ा जंगल बियाबान में क्यों फड़की? बताऊं क्यों फड़की? हाँ मुझे तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात है? हाँ। तू है कौन? अरे मैं कह तो रही हूँ मैं एक लड़की हूँ। ओहो जंगल बियाबान में सूट में जड़े सितारे लिपस्टिक टिक्की बिंदी, तू लड़की तक हो ना जंगल में लड़की का के काम? तू कोई भूतनी चुड़ैल है? ओए हाँ मैं भूतनी नहीं हूँ। मैं नीचे को ना हूँ अभी। नहीं आएगा? ना चल ठीक है मैं तेरे यही इंतजार कर रही हूँ, देखती हूँ कब तक नहीं आता। न्यू ना करे फिर तो मैं आ जाऊँ, तेरा इंतजार ठीक हो ना। अच्छा हाँ आ गया। आ गया अब मेरी बात सुन। सुना अब मुझे पता तेरे से क्या बात करनी है। क्या बात करनी है? ये जो मेरा दिल है ना दिल। अच्छा और मेरा दिल आ गया आप पे। अच्छा तेरा दिल आ गया मेरे ऊपर? बढ़िया जी बात, मेरी किडनी आ गई तेरे ऊपर। ओए हाँ ये कोई आने की चीज होती है? और दिल कोई आने की चीज है? दिल आने की चीज होती है। अरे बावली दिल धड़कन की चीज, आने की क्या चीज? आने की तो ना ना सिस्टम जिस पे दिल आ जाता है ना हाँ उससे हो जाता है प्यार। अच्छा और मुझे हो गया तेरे से प्यार। अब मैं जीवन भर तेरे साथ में रहना चाहती हूँ और तेरे साथ में शादी भी करना चाहती हूँ। शादी? हाँ मैं तो जंगल में लकड़ी काटे करूँ, लकड़ी काट के किरोड़ी मल सेट के भेज दूँ, पर मैंने वो शादी नाम नहीं सुना। क्या करे शादी? शादी नहीं जानता? मैं नहीं जानता। देख लो जी शादी नहीं जानता यो। ना ताई शादी नहीं जानता बता दिए के हो शादी? ताऊ ना डलावे, ताऊ ने भी हनीमून का बेरा, शादी हो भी नहीं जानता। मेरी बात सुन। हाँ शादी नहीं जानता? ना ब्याह तो जानता होगा। कौन है जानू? ब्याह भी नहीं जानता? ना लव मैरिज? कौन है? अरेंज मैरिज? कोर्ट मैरिज? ना कति ठंड का ठंडी है कुछ नहीं जानता। तो मेरी बुआ नू तो बता शादी हुए कैसे? अच्छा हाँ बताऊं के हो शादी? के एक लड़का हाँ एक लड़की। एक लड़का एक लड़की अग्नि के सामने बीच में अग्नि जला करके उसके चारों तरफ सात फेरे लेते हैं। अच्छा हाँ लड़का लड़की को मंगलसूत्र पहनाता है। अच्छा मांग भरता है इसको शादी कहते हैं। अच्छा वो बावली तने समझाना नहीं आई, इसने शादी नहीं कहते। क्यों? इसने हमारे जंगल में जिंगा लाला गया कर। जिंगा लाला? जिंगा लाला। अच्छा जी तन्ने मेरी गैल मतलब जिंगा लाला करना है? हाँ जिंगा लाला करना तेरी गैल। नहीं कर सकता जिंगा लाला मैं। कैसे करेगा फिर? बस करूंगी कौन तेरे साथ जिंगा लाला, पर मुझे तो करना है तेरे साथ में जिंगा लाला। तो मेरी बात सुन ले, आपके लते कपड़े वेशभूषा से ये पता चलता है कि आप किसी सेठ साहूकार या कोई राजा की लड़की हो। हाँ वो तो मैं एक निर्धन गरीब लकड़ारा, तेरा मेरा जोड़ा नहीं मिलता, किसी और गर्ल जिंगा लाला कर दे के ताऊ बैठे इस गर्ल कर ले। कहते दिल आ गया परी पे तो गद्दी क्या चीज है, मेरा तो दिल तुझ पे आया है। दिल आ गया गद्दी पे तो परी क्या चीज है? दिल आ गया गद्दी पे परी क्या चीज है? जी मैं गद्दी सु नहीं गदा। गदा सुन गड़ी ऐसा मंदा गदा ने भी गद्दी पिछाने से। सुन तेरा मेरा जोड़ा नहीं मिलता, अपनी बात कह दे मेरी। अच्छा सुन ले मेरी बात। तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से, से तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। लकड़हारे मने लकड़हारे मने तेरा प्यार चाहिए से। तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से, तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। बंदे नहीं की राजकुमार जोड़ा नहीं मिलता, मिल जाएगा। Thank you.
की धोली मेरा काला से रंगे, तू दुखले भर की धोली मेरा काला से रंगे। वो राधा रुक्मण रही कृष्ण काले के संगे, वो राधा रुक्मण रही कृष्ण काले के संगे। कंगले के ल्या इस कंगले के ल्या शादी करके जोबे की जंग, इस कंगले के ल्या शादी करके जोबे। अब नार चाहिए से पेट गुजारा करने ने रोजगार चाहिए से। अच्छा, पेट गुजारा करने ने रोजगार चाहिए से। कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। अच्छा, हाँ। तेरा कौन है, तेरा कौन नाम काम इब तक पार्टी ना जान। तेरा कौन नाम नाम इब तक पार्टी ना जान। जंगल के मैं क्या, इस जंगल के मैं तेरा मेरा नाम सत्यवान। इस जंगल के मैं तेरा मेरा नाम सत्यवान। बत्री ने चाहिए पति तो सबलवान, टूटी सी छान। हवेली चाहिए मेरे टूटी सी छान। मैं तो कर लूं गुजरान, मैं तो कर लूं गुजरान। तार चाहिए नई बहू ने बालम जोड़ी तार चाहिए से। नई बहू ने बालम जोड़ी तार चाहिए से। जो शादी शुदा इंसान की मौज होती है ना, वो रंड इंसान की नहीं होती। क्यों करे, क्यों करे? हाँ। शादी शुदा इंसान को 56 प्रकार के तो भोजन मिलते हैं खाने के लिए है। हाँ, और नए नए लत्ते मिलते हैं, और कति उनमें प्रेस हुई कपड़ों में है। हाँ, और सेवा पानी भी होती है, और पैर भी दबाए जाते हैं। अच्छा, और मालिश भी होती है सर की, और सारी बात बताने की नहीं होती। अच्छा चल मत बताओ, लेकिन मन ने तेरे तो बता दी। मैं रूंगो रंडो, मेरे तेरी बात समझ में ना आ रही। पागल क्यों रहेगा, रंडे तो किसकी नकल कर रहे नू बता। नकल नहीं ने मोदी रंडो ए? कर रहा क्या ब्या? अरे और तोर अपना कना कोई रामदेव रंडो, और पप्पू भी रंडो है। पप्पू राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी। हाँ, मतलब तू उनकी नकल कर रहा है। बिल्कुल नकल नहीं, मैं भी रंडा रहूंगा।
तू रंड रहेगा हाँ। पर मैं रंडवे नहीं रहूंगी, मैं तो तेरी गल ब्याह करूंगी। मेरी गल क्यों करे मेरी बुआ, तू इस गल कर लेना क्या कमी दे काला पसीने आ कर हो रहा जनू मीटर फूक रहा है, इस गल कर ले। मुकेश जी देते 500 रुपए, पता किस चीज के दे रहे हैं? मुकेश जी मैडम सरपंच जी कन्यादान दे रहे हैं हमारी शादी में। तो ले लिख फिर डायरी में क्या दिक्कत है? तो तू पहले हाथ हामी तो भर। मैं नहीं भरता हामी। क्यों नहीं करता ब्याह नहीं करता? तू क्यों मेरे गए लाए रिशा? देख मेरी बात सुन हाँ। दो चार लाइन तन बताऊंगी तुझे, तुझे बताऊंगी अगर तेरी समझ में आए तो वो शादी कर ली। अच्छा और दो चार बात बताओ। हाँ बता फिर। तो सुन ले जी दोनों आंधे हैं। अच्छा उनकी सेवा करने में एक उनका बेटा हूँ। घर में दो खाट हैं, एक पर मेरी माँ सो जा है, दो खाट एक पर मेरी माँ सो जाए, एक पर मेरा बाबू सो जाए, बीच में कुछ जगह ही बचे उस पर कोई लत्ता बिछा कर मैं सो जाऊँ। अच्छा हाँ एक तेरी माँ है, एक मेरी माँ, एक तेरा बापू बाबू और दोनों अंधे, दोनों अंधे, दो खाट है, एक पे मेरी माँ सो जाए, एक पे मेरा बाबू सो जाए, बीच में मैं सो जाऊँ। पर मैं तेरे तो ब्याह तो कर लूँ, पर काल ना मेरी बुआ तो ना ले जाऊँ, तू कड़े सोगी? मैं भी वहीं पे सो जाऊंगी बीच में। बीच में कित मेरे ऊपर सोगी जगह कौन है? मैं थोड़ा सेट में होके सो जाऊंगी आपके बगल में। ले बोल मेरी माँ मेरा बाबू मेरे दोरा सो रहे, मन शर्म नहीं आओगी? अरे वो तो दोनों अंधे हैं। फिर वे अंधे हैं बेरे को ना महसूस कर लेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। मैं तेरे का ब्याह तो कर लू, पर तू एक राजा की छोरी तो नाने को ठाट देखे होंगे, पता नहीं 56 प्रकार के पकवान खाए होंगे, पर मैं तो पूरे दिन लकड़ी काट के बासी कुची लकड़ी दो रोटी लाया करूं। अच्छा पूरे दिन लकड़ी काट के एक मेरा बाबू खा ले, आधी मेरी माँ खा ले, आधी मैं खा लू, तू के खाओगी? मैं भी इतनी छोटी सी टूक खा लूंगी। अम्बे टूक खा लेगी तेरा शरीर, बताओ एक बिलाड लेगी तू पूरी? मेरा कोने बस की बात। अच्छा हाँ। तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में जंगल में चलूंगी आपके साथ में लकड़ी काटने के लिए, छोटी सी कुल्हाड़ी मुझे भी दे देना। ले बोल जब जंगल में लकड़ी काटने का कष्ट कर ही रहा तो छोटी सी कुल्हाड़ी क्यों, पूरा कुल्हाड़ा लिए तू? अच्छा और ठीक है, मेरे मुन्ने कुल्हाड़ा दे देना बड़े वाला। सुन कुल्हाड़ा नहीं दूं, आखिरी बात है मेरे समझ में आओगी तो दो चार बात और सुन ले। अच्छा तो मेरी भी सुन ले। साची मतना फूके लहू बेगरा।
करी और सत्कार चाहिए से। देख सावित्री मैं तेरे ब्याह तो कर लूं, पर काल ने अपने अंधे माँ बाप की सेवा करनिया में एक उनका बेटा हूँ, ऐसा ना हो मैं लकड़ी काटने जाऊं तू करा उनकी गैल कलेश करे, तो मैंने इस बात का वचन चाहिए कि मेरे ज्यादा मेरे माँ बाप की सेवा तू करेगी, अगर इस बात का वचन दे तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। मैं आपको वचन देती हूँ, आपसे पहले मैं उनकी सेवा करूंगी, फिर कर लूंगा। कहिए जती मर्द ने बहुता बेदार चाहिए से, जती मर्द ने बहुता बेदार चाहिए से, का लड़का है, नाम है सत्यवान, जाति का क्षत्रिय, उसके पिता कभी राजा हुआ करते थे, राजा धुमतसेन, उनके मंत्री चोंडा राय ने उनका राज खोस लिया और आज वे गरीब है, और जिस लड़के को मैंने पसंद करा है वो एक गरीब लकड़हारा लकड़ी काटता है, शहर में लकड़ी बेचकर अपने माता पिता का पेट भरता है। पिताजी वो सत्यवान लड़का मुझे पसंद है और मेरी शादी आप सत्यवान के साथ कर दो। राजास्पति कहता है कि बेटी ठीक है, तेरी शादी में तय करता हूं, मंजूर करता हूं। लेख बताते कि उसी समय नारद मुनि आ गया और नारद मुनि आके कहते कि सावित्री बेटी सावधान हो जा, क्योंकि जिस लड़के को तू पति मान के आई है उस लड़के की उम्र केवल एक साल एक वर्ष बची है, एक साल के बाद तू विधवा हो जाएगी, क्यों जिंदगी खराब करती है, कोई दूसरा लड़का ढूंढ। लेकिन सावित्री कहती कि देवऋषि मैंने अपने मन में सत्यवान को पति मान लिया, अब मेरा पति केवल और केवल सत्यवान ही होगा, चाहे उसकी उम्र एक साल या एक महीना या फिर एक ही दिन क्यों ना हो, अब मेरा पति सत्यवान होगा। बेटी की जिद के आगे मजबूर होकर राजा सुपति शादी कर देते हैं। राजपाट को ठुकरा कर सावित्री अपने पति सत्यवान और अंधे सास ससुर के साथ बियाबान जंगल में आके दिन काटने लगी। पता था सावित्री को कि नारद की वाणी झूठी नहीं जाएगी। एक एक दिन उंगलियां पे गिनती गई और बताते हैं कि सावित्री ने एक साल तक निर्जला एकादशी ग्यारस माता के व्रत करे। मातो बहनों, निर्जला एकादशी के व्रत करने से बताते कि मौत भी उल्टी हट जाती है। एक साल तक सावित्री ने निर्जला एकादशी के व्रत करे और एक एक दिन उंगलियों पर गिनती गई। आखिरकार वो मनहूस काला दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सुबह के 4 बजे से उठ के सावित्री अपनी सासू सोभ्या रानी के पांव दबाने लगी। सासू बोली कि बेटी की बात इबे तो दिन बिना लिखड़ा होगा और तू इतनी जल्दी उठ गई। सावित्री कहते कि सासू मां आज तेरे घर में एक साल हो गया और आज मेरा मन बड़ा व्याकुल है। सासू सोभ्या रानी बोली कि बेटी सावित्री तेरा मन व्याकुल क्यों है। सावित्री कहते कि सासू माँ एक साल हो गया कितने बाहर भी नहीं गई। सासू बोली कि बेटी सावित्री अपने पीर चली जा। मना कर देते कि सासू मैंने पीर नहीं जाना, मेरी तो एक विनती है कि मेरा पति जंगल में लकड़ी काटने जाता है, आप मुझे मेरे पति के साथ भेज दो, आज मेरा दिल बहल जाएगा, मैं कहूंगी तो मानने को न्या और तू कहेगी तो वो नाट्य को न्या। सजनों, सत्यवान को बुलाकर आदेश कर दिया, माने के बेटे आज बोडिया ने जंगल में लेके जाइए, घुमा के लाइए। अपने पति सत्यवान के साथ सावित्री जंगल में लकड़ी कटवाने चल पड़ी। आगे आगे सत्यवान और पीछे पीछे सावित्री। पता था सावित्री को आज यो मरेगा, लेकिन बताया नहीं। उसको पता था तेरे पति का काल है, लेकिन सत्यवान को बताया नहीं। कदेव राजा जंगल के बीच में चले गए, एक पेड़ पर चढ़ के सत्यवान लकड़ी काटने लगा। अचानक यमदूत आए, बताते कि सती सावित्री ने यमदूता की तरफ मुंह खोल के मुंह पाड़ा, तब मुहते अग्नि जारी होगी सती के। यमदूत भाज गए, लेकिन फिर यमराज आता है और यमराज जैसे ही सत्यवान ऊपर पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काट रहा, सत्यवान की आत्मा को निकालने लगा यमराज,
ठीक ठाक सत्यवान के सर में बड़क होगी, आंखें में पानी लिकड़े, एकदम तब उंडाल हो गया और ऊपर तक कुलाड़ा छूट के नीचे गिर गया। धीरे धीरे नीचे उतर के आया और सावित्री का हाथ पकड़ के बोलिया, हे सावित्री सावित्री मेरा सर चकरावे, सर गोड्या में धर ले और मरती भरिया प्राण पति के लाड आखरी कर ले। सावित्री समझ गई काल आ लिया, अपने पति का सर गोद में धरा नुकतु लौट जा। लेकिन सत्यवान कहता कि सावित्री मेरी दो चार बात सुन ले, के कहानी बनी चलिए। जी पता नहीं, जब मैं घर से चला तब बिल्कुल ठीक था मेरा स्वास्थ्य, लेकिन अब अचानक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यमराज मेरे कहीं आसपास हो, मेरे मृत्यु के दिन नजदीक हो। पिया जी आपने बहुत ज्यादा लकड़ियां काट ली हैं, आप थक गए हैं, आप एक काम करिए मेरे पास आके बैठिए, लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सावित्री यो बात को ना, मेरी दो बात सुन ले, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। ओए सावित्री मेरे प्राण काढ़ कोए, रह ले जाना चावे से, अरे मेरी काया में भड़क लाग री चक्कर सा आवे से रे, चक्कर सा आवे से। ओए सावित्री मेरे चाटन ने ओ रासे लेक कुलाड़ा आड़ मेरे कोई काटन ने ओ रासे, सत्यवान इस जिंदगानी ने नाटन ने ओ रासे, मेरा जी लिकड़ा मैं मरया पड़ा सिरे पाटन ने ओ रासे रे। ज्यादा समय नहीं है, मैं मरने वाला हूँ, मैं आखिरी दो चार बात और कहना चाहता हूँ आपसे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पिया जी, जब तक मैं आपके साथ में हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा। कर्म कुल्हाड़ा गैर लोभ की, कर्म कुल्हाड़ा गैर लोभ की, लकड़ी त्याग चल्या रे, ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की आग चल्या रे, अंधे मात पिता ने छोड़ के मैं निर्भाग चल्या रे। सांव
धोत्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चला रे सती सुहाग चला रे बे समझे बे परख कहते बे समझे परख कहते यो सुंदर के गावे से बात कह के जंगल बियाबान में सत्यवान फटका खा के नीचे गिर जाते हैं। देखो सावित्री को पता था भाई नाश तो होने वाला है, लेकिन घबराई नहीं, और जो इंसान मुसीबत के वक्त में ना घबराए वही जीतता है। जैसे सत्यवान फटका खा के गिरा, झटकन जाके बैठ गिर, गोड्या में सर धर लिया कि मैं भी देख दूं कि आज कौन है जो मेरे पति को मुझसे अलग करेगा। यमराज आता है, और यमराज जैसे ही सत्यवान की आत्मा को निकालने चला, क्या कहानी बनी, क्या चला चली। यमराज अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि सत्यवान की आत्मा को निकाल सके। रुकिए महाराज रुकिए। बेटी क्या तूने मुझे देख लिया जो मेरा हाथ पकड़ लिया? जी बिल्कुल। ऐसा पहली बार हुआ। यमराज को जीते जी कोई भी जीव नहीं देख सकता, केवल सावित्री ने क्यों देखा? क्योंकि सावित्री ने निर्जला 11 माह के व्रत करे थे, उनके महत्व के कारण देख लिया। बोलिए 11 माता की। बेटी मैं तेरे धर्म और सत की कदर करता हूं, ये लड़का तेरा क्या लगता है? ये मेरे पति है महाराज। तेरा पति है जी? लाडो मैं यमराज हूं, मेरा कर्तव्य है कि जीव की आत्मा को निकाल के दूसरे शरीर में प्रवेश करवाना। यो तेरा पति बेटी मर चुका है तेरे आगे। नहीं महाराज जी, नहीं। इसकी आयु पूरी हो चुकी है बेटा, चाहे बात ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। जितना इंसान गिनती के सांस लेकर आया वो पूरे करके चला जाता है, जितना अंजल पानी उसका है एक कण भी फालतू नहीं खाने देता है। यमराज नाप तोल के देता हूं, और जब पूरा हो जाता है वापस ले लेता हूं। बेटी जब तक तू तेरे पति के शरीर के कने बैठी है, मैं तेरे नजदीक आऊंगा तो मैं भस्म हो सकता हूं तेरे सत की अग्नि से। लाडो अपने पति के शरीर से तू अलग हट जा और मुझे तेरे पति की आत्मा को निकालने दे। महाराज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ महाराज। हाथ जोड़े तो नहीं मानते महाराज? हम मेरे पति के प्राण पक्ष दीजिए महाराज। नहीं, इसकी पूरी हो चुकी जिंदगी, थोड़ा सा ख्याल कीजिए। अभी तो हमारे शादी के पूरे एक वर्ष हुए महाराज, और अभी से आप मेरे पति के प्राण निकाल रहे हैं। एक साल तक पति का सुख भोग लिया, अरे दुनिया में ऐसी भी तो लड़की है, एक दिन सुहागण और दूसरे दिन अभागण। लाडो तेरे भाग में यही था। नहीं महाराज, लिखने वाले ने तेरी किस्मत में एक ही साल पति का सुख लिखा। अब तू अलग हट और मुझे मेरा कर्म करने दे। तू तेरा कर्म कर, इसकी अंत्येष्टि भी तो करनी है। खड़ी हो? नहीं महाराज नहीं। लड्डो हट जा। नहीं। अरे हटना होगा, मेरी बात सुन। नहीं। अब सावित्री उल्टी हट जा,
अपने पति के ऋण से तू उऋण हो चुकी है। कैसे? अब उल्टी हट जा। नहीं महाराज, हट जा। नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी है। क्यों करे जिंदगी? अरे तेरा फर्जी हुआ पूरा सावित्री, उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी, क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी, क्यों कर जिंदगी कट जा। डोगल तू अलग नहीं है टी, तुम मेरे काम में रुकावट हो जाएगी। इतना समय नहीं है मेरे पास, मैं निवेदन करता हूँ कि आप अलग हटिए। कैसे हट जाऊं महाराज? आखिर ये मेरे पति महाराज। मर चुका है तेरा पति, मर चुका है। किसके सहारे रहूंगी महाराज मैं दुनिया में? किसी के मरने से जिंदगी रुकया नहीं करती। तो आप मेरी भी प्राण निकाल लीजिए महाराज। कैसी, कैसी बात करती है? मैं चाह कर भी किसी के प्राण नहीं ले सकता और चाह कर भी किसी के प्राण वापस नहीं दे सकता। नहीं महाराज। लड्डू क्या चाहती है तू? मैं अपने पति के प्राण चाहती हूँ महाराज। कड़े फंस गया मैं। एक काम कर, खड़ी हो, वो गुलाब का फूल खिल रहा है, जा उसको तोड़ के ले गया, तब तक मैं तेरा पति जिंदा कर दूंगा। जा, नहीं महाराज, नहीं, आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं महाराज। अरे कैसा छल? ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने जाऊं और इधर हम मेरे पति के प्राण निकाल ले। बड़ी चालू है तू, तो काबू में नहीं आओगी। नहीं क्या करूं? एक काम कर। क्या? अगर तू तेरे पति की लाश से अलग हट जाए तो मैं तुझे बहुत बहुत कुछ चीज दे दूंगा जीने के लिए। महाराज, हाँ, आप मेरे पति के प्राण दीजिए पहले। अरे पति का दरोड़ा है सारा, पति को ना मिले, इसके बदले में मैं दे दूंगा। सुन मेरी बात। कहिए। हरगिज को ना टाल करूं। दिखे पहले वचनी भरो भगवन में। ओए आके पे सवाल करूं, पहले वचनी भरो भगवन में, आके पे सवाल करूं। वचन जी महाराज। तो ले, एक दो तीन। ठीक है महाराज। सत की सती, सत की सती सावित्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जावान वसता जति पति बिने, मोक्ष बता किस ढाल करूं। जावान वसता जति पति बिने, मोक्ष बता किस ढाल करूं। भले बुरे कर्मों का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा, ईश्वर के घर छट जा। है झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिल मेरा फट जा। झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिल मेरा फट जा। बेटी, हमने आपको तीन वचन दिए हैं, अगर आप अपने पति की लाश से अलग हटोगी तो ये तीन वचन मैं तीन वरदान में बदल दूंगा। लेकिन आपको भी एक वचन देना होगा, किसी भी वरदान में आप अपने पति को नहीं मांगोगी। पति को छोड़ के पूरी कायनात की जो भी चीज मांगेगी मैं दे दूंगा, ये मेरा वचन है, वरदान है। ये क्या कह रही है महाराज? पति को नहीं दूंगा। थोड़ा सा ख्याल कीजिए महाराज। खामोश, इतना ही ख्याल करूंगा। सास ससुर की महाराज जी की संतान है और वो भी दोनों अंधे
महाराज आखिर घर में जाकर के उनको क्या जवाब दूंगी? तेरे सास ससुर अंधे हैं, क्या दुनिया में वे ही दो अंधे और कोई अंधे नहीं है? तेरे सास ससुर का इकलौता बेटा है, अरे दुनिया में ऐसे माँ बाप भी है जिनका संतान पैदा ही नहीं हुई, वे भी तो टाइम काटते, कह देना मर गया तुम्हारा लड़का। रहम कीजिए महाराज, रहम की भीख मत मांग, क्योंकि मेरे खाते में रहम नहीं है। जब किसी का कोई मानस मरे है सारी दुनिया के, ये भगवान दादा मैं प्राण फूंक दे छोरे का ब्याह देख मर जाएगा, मैं नहीं दिखाता किसी को ब्याह ब्याह, मैं तो जिसका जितना अंजल पानी है उतना पूरा होने के बाद लेके जाता हूँ, इसको भी लेके जाऊंगा। तीन वचन दिए, जो मांगेगी दे दूंगा, एक वचन तू दे, तेरे पति को तू नहीं मांगेगी, बोल। तो ठीक है महाराज, लिया? अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगूं, बिल्कुल, तो ठीक है महाराज, लीजिए वचन, मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी। बन गया काम। मांग लिए वरदान सती, तू कर ले बेटी यकीन मेरा, दिखे राज मिले, क्या राज मिले और नैने खोल दो, वो ससुराल तेरा पहला वरदान जी महाराज। और पहले वरदान में तू चाहती है कि तेरे ससुर जो धुमतसेन है, हाँ, उसका छीना हुआ राज दे दूं जी, उनकी दोनों की, यानी कि तेरा ससुरा धुमतसेन, हाँ, तेरी सासु सौभ्या रानी, हाँ, दोनों की आंखों की रोशनी दे दूं जी। ठीक है बेटी दी, तथास्तु। ठीक है महाराज। हाय ऐसा ही होगा सावित्री, इब देख लिए तू सीन मेरा, बिना पति के श्री मानो मने होगा कति मलीन मेरा, बिना पति के श्री मानो मने होगा कति मलीन मेरा, जीत उसी की, जीत उसी की, जीत उसी की होती है जो सत के ऊपर डट जा, दिखे उस मानसी का की कर ले जो कही मानसे डट जा, उस मानसी का के कर ले जो कही मानसे डट जा। सावित्री आपके दो वरदान अधूरे हैं, मांगिए। सोच फिकर को छोड़ सती, अरे सोच फिकर को छोड़ सती, इब दिल की चिंता दूर करो, दिखे दो पुत्र हो दो बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूरी करो, दो पुत्र हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। ये तेरा दूसरा वरदान जी महाराज। तू चाहती कि तेरे पिता के दो बेटे यानी कि तेरे दो भाई भाई हो जाए, हाँ। बेटी मैं तेरे से बड़ा खुश हूँ, दो वरदान मांग लिए, तूने अपना पति नहीं मांगा, वाह, जा बेटी दो नहीं, तथास्तु। सो भाई है सो भाई तेरे हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो, देखिए एक पुत्र हो एक बेटा हो मेरी को किसे तेजस्वी और शूरी करो, एक बेटा हो मेरी को किसे तेजस्वी और शूरी करो। धन्यवाद सावित्री, धन्यवाद, आपने तीनों वरदानों में पति का मांगना तो दूर जिक्र भी नहीं करा, वाह जी। दोहरा दूं? हाँ। कदे पाछन्यों के यमराज चीटिंग कर गया जी, पहले वरदान में तेरे सास ससुर का राज उनकी आंखें, तथास्तु। ठीक है महाराज। दूसरे वरदान में तेरे पिता के 100 पुत्र बेटी, तथास्तु। ठीक है महाराज। और तीसरे वरदान में तेरे भी एक पुत्र बेटी,
वस्तु। ठीक है महाराज। हे देता हूँ वरदान सती, देता हूँ वरदान सती, अब काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज। अरे अब क्यों रोकती हो? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैंने तीनों वरदान पूरे करे जी। तेरे सास ससुर का राज उनकी आंखें तथास्तु। अच्छा। तेरे पिता के 100 पुत्र तथास्तु जी। तेरे भी एक पुत्र तथास्तु। अच्छा। अब क्या रह गया? देता हूँ वरदान सती, अब काया का तेरा दुख हट जा। दिखे कैसे होगा? क्या कैसे होगा रे पुत्र मेरा जब बतिया लेता हट जा। कैसे होगा पुत्र मेरा जब बतिया लेता हट जा। सावित्री जी महाराज। क्या? अरे यो क्या मांग लिया? क्या मांग लिया महाराज? चालाक औरत, मैंने पहले ही कहा था कि इस पिता को मत मांगना। पिता क्यों? पति। कभी पति कहती है, कभी पुत्र कहती है, कभी। तूने मुझे अनुप्रास अलंकार में भंगित कर दिया। नहीं महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि इस पति पति को मत मांगना। तो महाराज मैंने पति को कहां मांगा है? मैंने तो पुत्र मांगा है महाराज। पुत्र दे तो दिया तेरे भी और तेरे बाप का भी। अच्छा हाँ। पर एक बात बताइए महाराज, जब आज आप मेरे पति की प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? ये तुमने सोचा ही नहीं बेटी, तूने मेरा मूर्ख बनाया है। कैसा मूर्ख? हाँ, मैंने पहले कहा था कि इसको मत मांगना। तो महाराज मैंने इसको कहाँ मांगा है? तो मुझे बातों में उलझा के तने यूं क्या करया? अच्छा, इसकी उम्र पूरी हो चुकी। मुझे कुछ नहीं पता महाराज, आपने मुझे तीन वरदान दिए, तीन वरदान, और जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए, और अगर नहीं पूरे कर सकते तो आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाइए। मान गई महाराज की बेइज्जती। लड़की, मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते हैं, क्या तुझे तनिक भय नहीं है मुझसे? मुझे देख। देवी देवी, तू बड़ी समझदार है, भोली है, ये मर चुका है। नहीं महाराज, आपने मुझे तीन वरदान दिए, पूरे कीजिए। अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत कर रहे थे तथास्तु तथास्तु तथास्तु, अब कीजिए तथास्तु। इसी तीसी होगी तथास्तु की। अच्छा, इव कौन या करूंगा देवी? अरे आपका नाम तो यमराज है, यमराज। तन्ने तो मूसा बना दिया। अरे आप चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते आप? इसको जिंदा नहीं कर सकता। अरे सब कुछ आपके तो हाथ में है। मेरे हाथ में बैंगन भी कौन है? अरे प्रकृति के नियम टूट जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता महाराज। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा। नहीं हो सकता। होगा, मैंने कह दिया जो। सावित्री, ए सावित्री। क्या? कुछ नहीं। हे सावित्री, तन्ने वचन भरा के, सावित्री तन्ने वचन भरा के, मैं चक्कर बीच फसाया। परीक्षा पास करनी होगी। कैसी परीक्षा महाराज? हमने देख लिया कि आपकी उम्र अभी 100 बरस और बकाया है। अच्छा, आज से 100 साल तक तेरे को मारने वाला कोई दुनिया में नहीं है जी। अगर तू अपनी आधी जिंदगी यानी कि 50 साल यमराज को संकल्प देकर दान करे, मैं तेरी आधी जिंदगी तेरे पति को दे सकता हूँ,
50 साल तू जीना, 50 साल तेरा पति, पर सोच ले लाडो घना हुआ है 100 साल, मौज मारेगी ईश्वर के पतना 300 और मिल जा, क्या करेगी इसका? देख लिया यू जन थ्रो छोड़, बोल बोल क्यों खराब करे 50 साल? अगर 50 साल तू दान करेगी तो ये जी सकता है, अन्यथा नहीं जी सकता। ये भी तेरी परीक्षा है, बता महाराज। हाँ आप मेरी आती जिंदगी क्या? हाँ। अगर आप मेरे पूरे 100 साल भी मांगेंगे जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी। ताली बजानी पड़ेगी, ले तो ले दे आधी जिंदगी दे लीजिए। या तेरी आधी जिंदगी तेरे पति को दी, खड़ा खड़ा। अरे मान सिंह ने दिल समझाया, महाराज आपने वचन दिया पुत्र करूं। मान सिंह ने मन समझाया, जान हरि हर का रट जा, कह रघुनाथ।